ये एक जालसाज को पकड़ा गया है। ये अरविंद मिश्रा नाम का एक आदमी है। ये इसने एमए किया इकोनॉमिक्स से, ग्रेजुएट है ये 1997 में। इसके बाद से इसने एक सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था जिसमें ये विफल रहा। उसके बाद से इसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं, जैसा कि इसने बताया है, क्यों ना मैं एक आर्मी वाला बन करके, एक फर्जी आर्मी वाला बन करके जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं या जो रिस्पेक्ट लोग एक आर्मी वाले को देते हैं वो सब प्राप्त करूँ और साथ में फर्जीवाड़ा भी करूँ। इसी के चलते इसने दो शादियाँ की। एक इसने 2003 में की, उसके बाद वो शादी इसकी जैसा इसने बताया कि नहीं बन पाई। 2009 में फिर इसने जीवनसाथी.com और ये सब वेबसाइट जैसे तथाकथित रूप पर यूज़ करके एक और शादी की है, जिसमें इसका कहना है कि अभी उसमें भी इसकी बातचीत सही नहीं हो रही है, बात नहीं बन पा रही है। इसको जो हमको अभी सूचना इकाइयों से जो इनपुट्स मिले थे उसके चलते हमारी टीम ने, सब इंस्पेक्टर अभय मिश्रा ने इसको इंटरसेप्ट किया। तो ये एक आर्मी वाले की तरह बात कर रहा था। इसको विनम्रता पूर्वक जब इंटरोगेट किया गया, यूनिट के बारे में पूछा गया और बाकी जानकारी ली गई, तो पाया गया कि इसके पास जितनी भी बातें हैं या जो भी इसके पास, सब चीज़ें फर्जी निकल के आईं। इसके पास एक वर्दी, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने रखी है, वर्दी मिली है। और इसके अलावा दो ATM मिले हैं, स्मार्ट शॉपर, वॉलमार्ट कार्ड इसने बनाया और सभी पर ये कोशिश करता था कि इस तरह के जितने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखता था उसमें अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट कर्नल लिखवा लेता था। तो इस तरह से, और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर .32 bore की जो है ये इसके पास से मिली है। तो इस तरह से ये रोज़ एक आर्मी वाले की तरह दिनचर्या जी रहा था। टोल प्लाजा पर टोल अवॉइड करने के लिए, बसेस वगैरह में भी एक स्पेशल प्रिविलेजेस के लिए, और कहीं पर भी कोई इसको रोके टोके ना, फ्री एसेस इसको सब जगह मिले। तो इस तरह से एक एक टोटली फ्रॉड की लाइफ ये गुजार रहा था। इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसको जेल भेजा जा रहा है। सर, इसके लैपटॉप में क्या अभी जानकारी के नाम पे इन्होंने लोगों से नौकरी, ये विभिन्न इसके बारे में विवेचना प्रचलित चल रही है। अब तक जितने साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर 420, 467, 68, 71 या IPC की धाराओं में इसको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस को कैसे सूचना मिली इसके बारे में? अभी सूचना, इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास आया था कि किस तरह का फ्रॉड जो है एक यहाँ पर एक घूम रहा है, तो इसको हम लोगों ने फिर इसको इंटरसेप्ट करके इसको इंटरोगेट किया। और जब बात ये पता चली कि सब फर्जीवाड़ा है, फेक है, फ्रॉड है, तो इसको अरेस्ट किया गया। ये हमारी जो भी संबंधित एजेंसीज हैं, गोपनीयता के कारण उसको भी नहीं बताया जा सकता है, उन्होंने इसको इंटरोगेट किया। लखनऊ में कितने दिनों से रह रहा था? लखनऊ में इसका आना जाना लगा रहता था। यूपी के और किन किन राज्यों में इसने फर्जीवाड़ा किया है और अब फर्जी एक हत्थी इंटरव्यू के नाते इसने कैसे है? प्रमुखता ये यूपी में ही एक तरह से एक्टिव रहता था, बाकी जगह के बारे में नहीं। इस तरह का नहीं था, बस इसका जो लाइफस्टाइल था, ये पूरा लाइफस्टाइल एक आर्मी वाले का। सर, लखनऊ में कहाँ रहता था और वर्दी का क्या यूज़ करता था? वर्दी पहन के किनको डराता धमकाता था? जगह जगह, जैसे मैंने बताया कि सार्वजनिक स्थल हैं, ट्रेन यात्रा में है, बस यात्रा में है, होटलों में है, टोल प्लाजा में है, या कहीं पर भी किसी से भी मिलता है तो आर्मी वाले की तरह पोज करता है। जो इन्हें दूसरी शादी जो बता रहे हैं कि वहीं से जो है उसका लिंक, क्या वर्दी पहन के लड़कियों को झांसे में लेता था? बिल्कुल, ये आर्मी वाला बन करके जो है बहुत इस तरह की वार्तालाप करना महिलाओं के साथ, और एक आर्मी वाला बन करके उनको अपनी बातों में फंसाने का जो है इसने कबूला है कि इसने ऐसे कार्य किए। इन्हीं सब फर्जीवाड़ों से, और एक ग्रेजुएट है, ये आइडिया और टीसीएस में भी ये काम कार्य कर चुका है। क्या इससे पहले आर्मी में रहा है क्या? इसने एग्ज़ाम दिया था, विफल हो गया था, उस समय ही इसने शायद तौर तरीकों को सीखा है और पहचाना। सर, मैरिटल स्टेटस क्या है? और अभी जान